हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गाइस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल होम मेड पिज़्ज़ा रेसिपी तो यहाँ पे मैंने दो कटोरी लिया है मैदा उसमें मैं ऐड करूँगी वन टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर एंड उसके बाद आपको ऐड करना है वन टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा एंड देन मैं ऐड करूँगी सॉल्ट तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच इसमें सॉल्ट को ऐड कर दिया था इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर तो यहाँ पे मैंने दो छोटी चम्मच इसमें चीनी को ऐड कर दिया है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है अब मैं इसको दही से मार लूँगी तो जैसे हम लोग नीट करते हैं तो आपको दही से ही नीट करना है इसको एंड बिल्कुल भी इसमें पानी या कोई और चीज़ नहीं मिलानी है तो आपको दही से ही आटा मारना है तो इसी तरह से मैं इसको दही में थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे तरह से एक डो तैयार कर लूंगी तो इसी तरह से आपको रेडी करना है तो यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ धीरे धीरे तो गाइज आपको धीरे धीरे करके ऐड करना है जिससे आपको पता चल जाए कि आपको किस तरह से डो रेडी करना है तो एक साथ मत ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके दही को ऐड कर रही हूँ एंड अच्छे से इसको नीट कर लूँगी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक डो रेडी हो गया है तो आपको एक मतलब ज़्यादा ना टाइट करना है ना ही ज़्यादा लूज करना है आपको बीच का ही डो रेडी करना है उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून इसमें रिफ़ाइंड ऑयल को ऐड किया है अब मैं इस तरह से इसको अच्छे से नीट कर लूँगी आपको एक से दो मिनट तक इसको अच्छे से नीट कर लेना है एंड यहाँ पे मैं इसी तरह से कर रही हूँ एंड आप लोग देख सकते हो ये हो गया है रेडी एंड गाइज जो मैंने डो रेडी किया था वो मैंने तीन पिज़्ज़ा के लिए रेडी किया था तो उसका एक पार्ट मैं इसको ले लूँगी एंड इसको अच्छे से बेल लूँगी एंड आपको बिल्कुल पत्ता नहीं करना है आपको थोड़ा सा थिक रखना है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऊपर से सूखी मैदा डाल ली है एंड उसके बाद मैंने हैंड्स की हेल्प से इस तरह से इसको फैला लिया था अब मैं बेलन की हेल्प से इसको बेल लूँगी एंड यहाँ पर मैंने स्ट्रेच कर लिया है अपने हाथों की हेल्प से उसके बाद मैं बेलन की हेल्प से इसको बेलूँगी तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया है एंड आपको जो इसकी मतलब रोटी टाइप की जो बनानी है ना वो ज़्यादा पतली नहीं करनी है एंड जैसे कि हम लोग जैसा पिज़्ज़ा खाते हैं थोड़ा सा मोटा होता है तो उसी तरह से आपको रखनी है तो गाइज़ यहाँ पे मैंने जो रोटी का साइज़ था वो मीडियम रखा था उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक प्लेट एंड उसमें मैं लगा दूँगी यहाँ पर ये यह देसी घी आप लोग बटर का भी यूज़ कर सकते हो पर मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया था तो इसको मैं पूरी प्लेट पर लगा दूंगी एंड जो मैंने यहाँ पर रोटी बेली थी उसको मैं इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फैला दूंगी आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ी मोटी बेली है इसी तरह से आपको भी बेलनी है जिससे जब ये फूलेगी ना तो थोड़ी बिल्कुल पिज्ज़ा के साइज़ की हो जाएगी तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस ये मैंने घर में ही बनाया था अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी तो गाइज यहाँ पर मैंने दो से तीन चम्मच पिज़्ज़ा सॉस को ऐड किया है एंड पूरे में इस तरह से मैं स्प्रेड कर दूंगी एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरे में मैंने लगा दिया है इसके बाद में ऐड करूंगी टॉपिंग्स तो मतलब आपको टॉपिंग्स जो भी खाने हैं आप लोग ऐड कर सकते हो जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है तो यहाँ पे मैं ऐड करी हूं प्याज शिमला मिर्च एंड पनीर तो यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने बस प्याज और शिमला मिर्च ऐड किया सब्जियों में उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी पनीर एंड गाइज मुझे ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च का यूज़ किया है आप लोग को जो कुछ भी पसंद है आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे मैंने पनीर को ऐड कर दिया है अब मैं इसमें ऐड करूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वो है हमारी मोजरेला चीज़ तो यहाँ पर मैंने चीज़ को इसमें ऐड कर दिया है तो यहाँ पर मैंने चीज़ को अच्छे से पूरे में इस तरह से डाल लिया है एंड इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चीज़ स्लाइस तो यहाँ पर मैंने दो तरीके की चीज़ ऐड करी थी एक मोजरेला चीज़ एंड ये वाली स्लाइस जो आती हैं वो भी मैंने ऊपर से लगा दी थी क्योंकि थोड़ी ज़्यादा चीज़ होती है तो ज्यादा जा, पिज्जा अच्छा लगता है तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है चीज़ तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो तरीके की चीज़ का यूज़ किया है तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी एंड अब मैं इसको करूंगी बेक तो यहाँ पर मैंने प्री हीट कर लिया था इसको नमक आपको ऐड करना है किसी भी बर्तन में आप रख सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक जो पैकेट आता है नमक का वो यहाँ पे डाल दिया है इसको मैंने प्री हीट कर लिया था पंद्रह मिनट के लिए अब मैं यहाँ पे रख दूँगी कटोरी उसके ऊपर रख दूंगी ये वाली प्लेट एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पिज़्ज़ा सीजनिंग तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा स्पाइस मिक्स आता है तो वो मैंने ले लिया था इसके ऊपर मैं इस तरह से डाल दूंगी एंड ये ऑप्शनल है आप लोग मतलब बेक हो जाए उसके बाद भी डाल सकते हो पर मैं यहाँ पर पहले से डाल दे रही हूँ थोड़ा सा तो यहाँ पे इसके बाद मैंने कर लिया था बेक इसको पंद्रह से बीस मिनट के लिए तो यहाँ पे अब आप, यह आप लोग देख सकते हो पंद्रह से बीस मिनट हो गए हैं एंड ये का परफेक्ट पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है तो अब मैं इस पिज़ा कटर की हेल्प से इसको पीसीज में कट कर लूँगी एंड गाइस बिलीव मी ये बहुत बहुत टेस्टी बना था तो आप लोग भी ये वाला ट्राई कर सकते हो अपने घर पे क्योंकि जैसे कि अभी कोरोना बहुत चल रहा है तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं बाहर का कुछ नहीं खा सकते हैं तो हम लोग अपने घर पे ही ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं एंड बहुत ही टेस्टी टेस्टी बना था तो आप लोग भी ट्राई करिएगा ये रेसिपी एंड मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेलाइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर Yeah.